नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नवानगर थाने में एक पुलिसकर्मी को बंधक बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मी के साथ मारपीट भी की गई है। सुल्तानपुर में कुड़वार थाना क्षेत्र के कुड़वार हलियापुर मार्ग पर बने गोमती पुल से दो दिन पहले प्रदीप नाम के एक शख्स ने छलांग लगा दी थी। बताया जा रहा है कि लगातार खोज जारी है, लेकिन न ही प्रदीप का शव मिला है और न ही उसकी कोई जानकारी मिल रही है। अमेठी में थाना जामू पुलिस ने मोहम्मद आरिफ नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दुराचार का मामला दर्ज है। अमेठी में जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के पुलिस चौकी वारिसगंज के खौपुर में दो पक्षों में जमकर बवाल हो गया। इस दौरान भयंकर मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। अमेठी में थाना क्षेत्र जगदीशपुर के ग्राम सभा माहे मऊ के महमदपुर गांव के कुछ लोगों ने तहसील समाधान दिवस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की तफ्तीश में पता चला कि शिकायतकर्ता ही अवैध कब्जा करके उल्टी शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे। अमेठी में आबकारी टीम ने थाना मुंशीगंज के पूरे मनीराम पांडे का पुरवा में दबिश दी। इस दौरान टीम ने 40 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद करते हुए तीन मुकदमे पंजीकृत किए। रायबरेली के परशदेपुर से चोरी का मामला सामने आया है। यहां जगतपुर की रहने वाली सुषमा की दुकान से हजारों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। अयोध्या में आदि पुरुष फिल्म के विरोध में निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री के साथ साथ सेंसर बोर्ड पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि ये मामला तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगतगुरु परमहंसाचार्य ने दर्ज कराया है। बाराबंकी में जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के चंदौली में रेट नदी के किनारे झाड़ियों में शिवम नाम के युवक का शव बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि शिवम को उसकी दुकान से उसके दोस्त अपने साथ ले गए थे। वहीं पुलिस के मुताबिक इस मामले में मृतक के चाचा की तहरीर पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहराइच में थाना रिसिया पुलिस ने अभिषेक सिंह नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शांति भंग करने का मामला दर्ज है। बहराइच में थाना दरगाह शरीफ पुलिस ने सरारगंज में हुई हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहराइच में थाना रिसिया पुलिस ने उवैद खान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर धारा 151 के तहत मुकदमा दर्ज है। जौनपुर में मछली शहर थाने में तैनात कांस्टेबल योगेंद्र यादव और अनिल यादव पर विभागीय जांच बैठा दी गई है। बताया जा रहा है कि इन आरक्षियों का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें ये देशी शराब के ठेके पर मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं। आपको ये खबरें कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबरें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।